हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम फेस कैम वीडियो बना रहा, ऐसा नहीं है कि मैं आगे भी फेस कैम में वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और कभी कभी फेस कैम वीडियो भी आएंगे। तो अभी मैं इस वीडियो का टॉपिक ये है कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं, कैसे पता करें, या फिर है तो कौन से मोबाइल नंबर लिंक है वो बताऊँगा। तो अभी तो बताने के लिए रेडी गए। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो उसके लिए चलेंगे गूगल में या फिर क्रोम ब्राउज़र में। तो मैं अभी क्रोम ब्राउज़र से बताऊंगा। तो अभी मैं क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करता हूँ। क्रोम ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद सर्च बार में सर्च करेंगे, जैसा कि यहाँ पर करेंगे UIDIA। सर्च करने के बाद न्यू वेबसाइट खुल चुके हैं, UIT गवर्नमेंट इन। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर खुल रखी है जैसे कि देख रहे हैं आप। तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद भाषा कौन सी आपको जम रही वो कर लेंगे सिलेक्ट, जैसे कि मैं कर लेता हूँ अंग्रेजी। फिर वेलकम। तो अगला पेज खुल चुका है, ये पूरा देख सकते हैं आप जैसा कि। तो अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आगे का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आधार सर्विसेज पे। तो यहाँ पे आधार सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे आपको दिखे ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और आप भी क्लिक कर लो। तो यहाँ पर न्यू पेज खुल चुका है। तो यहाँ पे वेलकम टू माय आधार की न्यू वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद चेक आधार वेरीफाई दिख रहा होगा आपको ऑप्शन यहाँ पर। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे कि ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसा कि मैं करता हूँ और मैं करता हूँ और आप भी क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद यहाँ न्यू खुल चुकी है साइट, जैसे कि देख रहे हैं एंटर आधार नंबर एंड कैप्चर। तो यहाँ पर आधार को मैं एंटर करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर रखा था तो एंटर कर देता हूँ, डायरेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं आधार नंबर भर दिया हूँ, पर आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि सिक्योरिटी के कारण से ब्लर करना पड़ता है। और यहाँ नीचे कैप्चर कोड दिख रहा है, अगर समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर क्लिक करके बदल भी सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ ये चेंज हो गया, ये जो भी आपको समझ में आ जाए वो आप फिल कर सकते हैं। जैसा कि मैं ये कैप्चर कोड भर देता हूँ 9Y। और एक बात और ध्यान रखना कि ये जैसे कि कैपिटल में तो कैपिटल में और स्मॉल में तो स्मॉल में ही भरेंगे, तो नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पर मैं कैप्चर कोड भर लिया जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोसेस पर क्लिक। तो मैं क्लिक करता हूँ प्रोसेस, कैप्चर कोड गलत है गाइस, तो फिर से भरना पड़ेगा। तो गाइस मैं भर लिया हूँ कैप्चर कोड फिर से, तो आपको बताता हूँ। मैं प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो गाइस अभी अगला पेज खुल चुका है। तो यहाँ पर मेरे आधार नंबर दिख रहे हैं जो कि आपको ब्लर दिख रहे हैं, और यहाँ पर फ़ोन नंबर दिख रहे हैं जो कि लास्ट के 4 अंक ही दिखेंगे। तो ये 3 अंक दिखेंगे, आधार नंबर नहीं दिखेंगे। तो जो आपके आधार नंबर से लिंक है मोबाइल नंबर यही है, तो इस तरह से आप भी पता कर सकते हो। तो आपको पता करना हो तो ऐसे करके पता कर सकते हैं, जैसे कि मैं स्टेप बाई स्टेप बता ही पे हूँ। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो रिवर्स करके भी देख, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी मैं रिप्लाई दे दूँगा कमेंट बॉक्स में। फिर यहाँ फिर कुछ ज़्यादा ही कमेंट आएंगे तो वीडियो भी बना के आपको बता दूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना। जब तक ले जय हिंद।